अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपका भाई आपका दोस्त असद मलिक एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में आ रहे हैं। अच्छा जी दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि शुमाली यूरोप का एक छोटा सा मुल्क फिनलैंड भी है जो कि रकबे के लिहाज से 65 जबकि आबादी के एतबार से दुनिया में 114वें नंबर पर है। मुल्क की जो कुल आबादी है तकरीबन 55 लाख के लगभग है, लेकिन आप कमाल ये देखें कि इस वक्त तालीमी हिसाब से एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से दर्जा बंदी अगर करते हैं तो उसमें फिनलैंड जो है पहले नंबर पे है, जबकि सुपर पावर अमेरिका जो है वो 20वें नंबर पर आता है। अच्छा जी, 2020 तक जो है ना फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ मजमून यामनी मतलब कि सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ स्कूलों में नहीं पाई जाएगी। फिनलैंड का कोई भी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 195 बच्चों पर मुश्तमिल होता है जबकि 19 बच्चों पर एक टीचर होता है। दुनिया में सबसे लंबी ब्रेक भी फिनलैंड में ही होती है, बच्चे अपने स्कूल टाइम का 75 मिनट ब्रेक में गुजारते हैं। दूसरे नंबर पर 57 मिनट की ब्रेक न्यूयॉर्क के स्कूलों में होती है, जबकि हमारे यहाँ अगर वालदेन को पता चल जाए कि कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाने की बजाय इतनी लंबी ब्रेक दे रहा है तो वो अगले दिन ही बच्चों को स्कूल से निकलवा लें। खैर, आप दिलचस्प बात मुलाहिजा करें कि पूरे हफ्ते में स्कूलों में महज 20 घंटे पढ़ाई होती है जबकि असातिज़ा के 2 घंटे रोज़ अपनी स्किल्स पढ़ाने पर सर्व होते हैं। फिनलैंड में टीचर बनना डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ज़्यादा मुश्किल और एजाज़ की बात है। पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के टॉप 10 मास्टर्स किए हुए तालिबे इल्मों को एक खसूसी इम्तिहान के बाद स्कूलों में बतौर उस्ताद रखा जाता है। 7 साल से पहले बच्चों के लिए पूरे मुल्क में कोई स्कूल नहीं है और 15 साल से पहले किसी भी किस्म का कोई बाकायदा इम्तिहान भी नहीं है कि जिसमें माँ बाप बच्चे की नींदें हराम कर दें, इनके खेलने और भागने दौड़ने पर पाबंदी लग जाए, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके इन्हें घरों में नज़रबंद कर दिया जाए, घर में आने वाले मेहमानों से मिलने तक पर पाबंदी आयद कर दी जाए और घर में माशाल्लाह और कर्फ्यू का सा समा बन जाए। पूरे मुल्क में तमाम तलबा तालिबात के लिए एक ही इम्तिहान होता है। रियाजी के एक उस्ताद से पूछा गया कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं तो वो मुस्कुराते हुए बोले, हम बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाते हैं क्योंकि इस तरह वो ज़िंदगी के हर सवाल को बआसानी हल कर सकते हैं। आप जापान की मिसाल ले लें, 3री जमात तक बच्चों को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वो इखलाकियात और आदाब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जिसमें अदब नहीं इसमें दीन नहीं। अब मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक इनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल, इस पर अमल की जिम्मेदारी फ़िलहाल जापान वालों ने ली हुई है। ये है कौमों की तरक्की और उरूज व ज़वाल का राज। अच्छा जी, अशफाक अहमद साहब को एक दफ़ा इटली में अदालत जाना पड़ा और उन्होंने भी अपना तारुफ करवाया कि मैं उस्ताद हूँ। वो लिखते हैं कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशस्तों से खड़े हो गए। इस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज्जत का राज उस्तादों की इज्जत में है। आप यकीन करें कि उस्तादों को इज्जत वही कौम देती है जो तालीम को इज्जत देती है और अपनी आने वाली नस्लों से प्यार करती है। जापान में माशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि ये सिखाने की चीज़ है और वो अपनी नस्लों को बहुत खूबी के साथ माशरत सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और उसातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद से 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और उसातिज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। दूसरी तरफ आप हमारा तालीमी निज़ाम मुलाहिज़ा करें जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर्स बन चुके हैं। आप तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है असातिज़ा इसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा इसी को कॉपी पर छाप देते हैं, असातिज़ा इसी नकलशुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशान लगवाते हैं और खुद ही पेपर बनाते हैं और खुद ही इसको चेक करके खुद नंबर भी दे देते हैं, बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही सादिर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कूड़ मगज़ और कुन ज़हन का ताना देते रहते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है कतार को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम पहली से लेकर और 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटते गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और ख़ुद तजुर्बा करने की चीज़ है और हम इसे भी रट्टा लगवाते हैं। आप हैरान होंगे कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान 1858 यानी 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बरे सगीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65 हैं तो बरे सगीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 यानी 1860 के अंदर असातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और हम 2018 में भी इन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ़ हैं। मेरा ख्याल है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल साहिबान और जिम्मेदार असातिज़ा इकराम सर जोड़कर बैठें, इस गले सड़े और बोसीदा निज़ाम तालीम को उठाकर फेंकें, बच्चों को तोता बनाने के बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। ये 21वीं सदी है, दुनिया चांद पर पहुँच रही है और हम अभी तक रट्टा सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।